हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो एकेटीयू की काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के है। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास में कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर चॉइस ब्लॉकिंग समझ में नहीं आ रहा या चॉइस प्रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब से कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है और उसके बाद में आपको चॉइस भी प्रेफरेंस करनी है। इसी बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आपको चॉइस प्रेफरेंस भी सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बात को लेकर के हैं कि सर इतने सारे अवेलेबल चॉइसेस हैं, कैसे हम चॉइस को प्रेफरेंस दें या कौन सा कॉलेज पहले रखें, कौन सा कॉलेज बाद में रखें। इन सभी क्वेश्चंस के मैं आज अभी आपको आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन सा कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखा जाए, किसको ना रखा जाए, इसके बाद में हुआ क्या, किस तरीके से हमको चॉइसेस लॉकिंग करनी है, अपनी विलिंगनेस को कैसे चेंज करना है। तो यही सारी चीजें मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एकेटीयू की जो मेन काउंसलिंग है वो कहाँ से हो रही है, upteac.admission.nic.in पर जाकर के। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्होंने काउंसलिंग का प्रोसीजर भी डाला है। मैंने आपको पहले शेड्यूल के बारे में बताया था कि अगर हम बात करेंगे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे तो जो उन्होंने शेड्यूल दिया था वो मैं भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि शेड्यूल उन्होंने क्या 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 इनका शेड्यूल था। देखिए अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन 8 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में करना था और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 10 से 18 अक्टूबर के बीच में होगा। इसके बाद में अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो भी 10 से और 18 के बीच में ही आपको ईमेल के थ्रू ही ये बात पता लग जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग है वो 15 तारीख से ओपन होगी। तो जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया होगा उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखने लग जाएगा, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक उनको ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके बाद में 21 तारीख को ये सीट अलॉटमेंट देंगे, देन ये ऑनलाइन विलिंगनेस जो होगा फ्रीज करना है या अपलोड करना है ये भी बताएंगे, और जो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करनी है 20,000 ये 12,000, 20,000 जनरल और ओबीसी के लिए होगा, 12,000 एससी और एसटी के लिए होगा। तो ये 22 से 25 के बीच में करना है और इसके बाद में वो फिर सारी प्रोसेस राउंड टू की जाएंगे, राउंड वन तक की ये सारी प्रोसेस होगी। तो अभी इसी बात को लेकर के इन्होंने एक और ब्रोशर अपडेट किया है, वो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो वो ब्रोशर ये है इनका। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। ये कंबाइंड काउंसलिंग है सभी के लिए, उन्होंने जो अपडेट किया है वो आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो प्रोसीजर है वो काउंसलिंग का क्या है, जो भी जिसके थ्रू भी ये काउंसलिंग हो रही है उसके थ्रू आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड अपलोडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स ये करना है। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको रजिस्ट्रेशन फी जो है काउंसलिंग के लिए वो डिपोजिट करनी है। स्टेप 3 है आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट, कंप्लीट स्टेप 1 और स्टेप 2 अब द सेंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम के द्वारा आपका होगा। दिस एक्टिविटी विल डन इन ओनली इन द फर्स्ट राउंड एंड स्पेशल राउंड ऑफ द काउंसलिंग फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। मतलब ये है कि अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया है और राउंड 1 में ही आपने फी वगैरह सारी कंप्लीट की है तो ये सिर्फ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा वो राउंड 1 में ही हो जाएगा और स्पेशल राउंड जो उनके हैं उसमें होगा। ठीक है, देन स्टेप नंबर 4 है कि कंफर्मेशन आ जाएगा आपके पास में वेरिफिकेशन का एसएमएस या ईमेल के माध्यम से। 5वां स्टेप यह है कि फिलिंग ऑफ चॉइसेस बाय द वेरीफाइड एंड फ्रेश कैंडिडेट्स। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को उनके चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शंस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसका कारण है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। देन इसके बाद में हम अगर देखें कि डिक्लेरेशन हमको मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट, जो कि हमने आपको टाइम अभी बताया है कि कब आपको मिलेगा, 21 तारीख का सीट अलॉटमेंट आएगा, 22 से 25 में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो पे करनी होगी, तभी आप उसके फर्दर राउंड और इस राउंड में मतलब आप सीट लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अगर आपको मान के चलिए आईआईटी लखनऊ मिल गया या आपको एकेटीयू का मेन कैंपस मिल गया तो ये जो कि आपकी शायद हायर प्रेफरेंसेस ही होंगी, अगर ये आपको हायर प्रेफरेंसेस मिल जाती हैं तो आप यहाँ पर सीट फ्रीज कर देंगे और आप जो फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर के आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द गिवन डेट यानी आफ्टर राउंड 3 कंपलसरी फॉर द फ्रीज कैंडिडेट।
यानी राउंड थ्री की जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में ठीक है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी आफ्टर आर फोर फॉर ऑल कैंडिडेट। ठीक है, जो राउंड फोर है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो राउंड थ्री तक अपनी फ्रीज फ्रीज हुई सीट को रिपोर्ट कर देंगे उसके बाद में राउंड फोर होगा। ठीक है, सीट विड्रॉल इज परमिटेड राउंड टू एंड राउंड थ्री में। अगर मान के चलिए कि राउंड वन में आपको सीट नहीं पसंद आई थी, आपने विलिंगनेस डाल दी है राउंड टू में, और राउंड टू के बाद में भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने राउंड थ्री में भी उसके विलिंगनेस को चेंज रखा। मान के चलिए कि राउंड टू और राउंड थ्री में जो सीट आपको मिली है, अगर आप चाहते हो कि मुझे सीट विड्रॉल करनी है तो आप वो सीट विड्रॉल भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में टेंथ जो पॉइंट है वो ये है कि डाउनलोड ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आपकी सीट कंफर्म हो जाती है तो इट शुड बी कॉल्ड एज अ प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू AKTU, ठीक है, जो कि राउंड फाइव तक जाएगा, इसमें जाएगा। इसके अलावा इस तरह से स्टेप नंबर 11 हो जाएगा। 11 के बाद में टू है कि स्पेशल राउंड्स आएंगे। स्पेशल राउंड R6 R7 भी होगा, R7 तक होगा, R5 R6 R7 तक ये स्पेशल राउंड चलेंगे आपके। ठीक है, और R7 जो है वो ऑप्शनल होगा अगर कोई सीट राउंड सिक्स में वैकेंट रह जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो राउंड वन की आपकी काउंसलिंग होगी इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए 1000 रुपीज जो कि नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन की फीस है, और आपको जब आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए 20,000 का आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस फी में जनरल एंड ओबीसी के लिए, और 12,000 जो है वो SC और ST के लिए होगा। जब तक आपकी ये सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं होगी तब तक आपका जो इंफॉर्मेशन है एक्सेप्टेंस वाला वो जनरेटेड नहीं होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आप आगे के राउंड्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। द स्टूडेंट हु डजंट एक्सेप्ट द सीट डजंट पे सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी ट्रीटेड एज एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग एंड विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी नेक्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। इन्होंने क्लियरली दिया है, नोटेबली फॉर एक्सेप्टिंग सीट कैंडिडेट्स बोथ, चाहे वो फ्रीज करना चाहता हो चाहे वो फ्लोट करना चाहता हो, हैव टू सबमिट सीट एक्सेप्टेंस फी अल्स देयर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड एंड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट या फर्दर राउंड्स। इसलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी ही होगी, चाहे आप सीट फ्लोट कर रहे हैं चाहे आप फ्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसके बाद राउंड टू है। अब यहाँ पर आता है कि हु इज नॉट एलिजिबल एंड हु इज एलिजिबल, दो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज नॉट एलिजिबल, मतलब कैंडिडेट विच हैव बीन अलॉटेड अ सीट, यानी जिसको सीट एक बार मिल गई है, फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन जिसने चूज किया है, बट डिडंट पे एक्सेप्टेंस फी इन द फर्स्ट राउंड, तो वो एलिजिबल नहीं होगा जिसने फीस वन राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग इनएलिजिबल होंगे जिनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेलियर होता है। ठीक, अब हु इज एलिजिबल, तो वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर इन्होंने इसको चार ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप ये है कि फ्रेश कैंडिडेट होगा, तो और ग्रुप टू में जिसने फ्रीज कैंडिडेट होगा वो, दीज कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड टू सबमिट फ्रेश चॉइसेस और मॉडिफाइड चॉइसेस, सो देयर अर्लियर अलॉटेड सीट वुड बी रिटेन्ड, हाउएवर देयर अलॉटेड कैटेगरी में बी अपग्रेडेड एज पर द रूल्स। मतलब आपने जो सीट आपको रिजर्व कर रखी है, यानी कि आपको मान लीजिए सपोज दैट कि चॉइस नंबर वन मिला, चॉइस नंबर थ्री मिला था, और आपने चॉइस टू और चॉइस वन के लिए अपग्रेड किया है, तो चॉइस थ्री आपकी तब तक रिटेन रहेगी। ठीक है, जब तक आपको कोई अपग्रेडेड सीट नहीं मिलती है। इसके बाद फ्लोट जिसने किया हुआ है वो भी, फ्रीज फ्लोट फ्रेश और कैंडिडेट विद नो सीट अलॉटेड, ये चार ग्रुप इन्होंने दिए हैं। आप इनको आराम से फिलहाल से समझिएगा पढ़िएगा, इसके बाद ही आप इसके आगे जो भी प्रोसेस है उसको बढ़ाइएगा। सीट अलॉटमेंट फॉर राउंड टू, अब इसमें एक जो इन्होंने सीट कन्वर्जन रूल्स दिया है वो ये दिया है कि मान चलिए कि अगर सपोज ये जो इन्होंने कोटे दिए हैं यूपी ओपी जनरल गर्ल्स ओपी फ्रीडम फाइटर फिजिकल हैंडीकैप या AF कैटेगरी, अगर इनकी सीट वैकेंट रह जाती है तो ये कन्वर्ट होकर के ओपन कोटे में चली जाएंगी, इसी तरह से SC वाले SC में चले जाएंगे, ST वाले ST में चले जाएंगे, और बैकवर्ड क्लास वाले बैकवर्ड क्लास यानी कि जनरल सीट हो जाएंगे, फिर किसी को भी
दी जा सकती है, मानी वो ओपन कैटेगरी में, फिर कोई भी कैटेगरी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सी में कोई भी कैटेगरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसके बाद में ये सारा प्रोसेस है, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर तक सेम एज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी है, जो भी आपका लॉटरी इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर के आप फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ये सारी प्रोसेस आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद में इंटरनल स्लाइडिंग रूल्स भी हैं इनके, तो आप इसको एक बार पढ़िएगा कि क्या है वो, आगे की बहुत आगे की प्रोसेस है, ठीक है। स्लाइडिंग रूल्स हैं, R5, R6 जो है स्पेशल राउंड है, R7 अगर ऑप्शनल राउंड है, जो कि होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा वैकेंट सीट के, तो मैक्सिममली पॉसिबल चांसेस हैं कि होंगे, क्योंकि तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं सीट्स जो हैं वैकेंट रह ही जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। अब मेन बात यह है कि जो एक और इनका रूल है, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट टू सन या डॉटर ऑफ फॉलोइंग इज रिलैक्स्ड एंड द एडमिशन इज परमिटेड टू सच, ऐसे लोग इन्होंने दिए हैं, ये ABC तीन कैटेगरी दिए हैं, इसमें जो डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, डिफेंस पर्सनल सेटल्ड इन यूपी ऑन द डेट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर रिटायरमेंट या बीइंग डिसेबल्ड इन एक्शन, तो ये जो इन्होंने कंसीडरेशन करना है वो इस तीन क्राइटेरिया के आधार पर ही कंसीडरेशन करेंगे, बाकी सभी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक, इज दैट क्लियर। इसके बाद में तो ये हमारा पेज नंबर 8 तक ही है। अब बात आती है कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, तो वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक तो APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी स्वयं ही है, और ये भी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, तो ये भी आपको अवेलेबल चॉइसेस में यहाँ पर दिखा, क्योंकि सबकी सेंट्रल काउंसलिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी जो चॉइसेस हैं वो UPTSC के द्वारा ही आपको दिख रही हैं, ठीक है। इसमें AKTU जो सबसे बड़ी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है वो AKTU है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले AKTU है, क्योंकि AKTU में बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि UPTSC में जो AKTU की एफिलेटेड कॉलेज हैं वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए, यहाँ पर एक तो लिस्ट दिख रही है आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की, देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर, जितने भी कॉलेज हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसके अलावा ये सारे हैं प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, ये हैं आपके प्राइवेट कॉलेज। अब आप देखिए प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, कितने सारे कॉलेजेस हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें से क्या करना है, जो भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं आपको सबसे पहले तो उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होगा, उनके प्लेसमेंट्स को देखना होगा, पिछले 4 या 5 साल, 3 साल, 2 साल, जितने भी ईयर्स के उन्होंने प्लेसमेंट डाले हैं उससे आपको ये एनालिसिस करना, करीब 1000 के आसपास इंस्टीट्यूट्स हैं और 1000 इंस्टीट्यूट में से आपको चुनना बहुत मुश्किल है कि कौन सा कॉलेज चुना जाए। अब चूंकि यहाँ पर जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो फार्मेसी के हों, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो नॉर्मल कॉलेजेस हों, सारे लिस्ट यहाँ पर, या फिर MBA से रिलेटेड हो, सारे कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। अब मैं एक और चीज आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास में एक लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस में एक सैंपल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्टूडेंट का ही है, आपको टोटल अवेलेबल चॉइसेस जैसे अगर मान लीजिएगा 88 दिख रही है, तो इतनी चॉइसेस आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए दिख रही है, जैसे मान के चलिए राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस आगरा, शिवदान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट अलीगढ़, तो 88 चॉइसेस तो बहुत सारी हैं, मुझे लगता है इनमें से कुछ इंस्टीट्यूट में ही आप एडमिशन लेना चाहेंगे, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की फीस स्ट्रक्चर भी अलग होगा। मेरे पास में भी स्टूडेंट्स के सर कॉल आ रहे हैं कि सर इस कॉलेज की फीस बहुत है तो आप सजेस्ट करिए कि ये कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, एक तो फीस हर कॉलेज की अलग अलग है, हमको चूज कैसे करना है, मैं आपको जो आपको लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ वो ये है कि आपको सबसे पहले जो जितने भी कॉलेजेस दिख रहे हैं, मैंने क्या किया है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया हुआ है, कि कुछ कॉलेज की लिस्ट मैंने उठाई यहाँ से और मैंने इसको गूगल पे पेस्ट किया, और मैंने पिछले 3 4 5 साल के जो प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड है उनको देखा, उनको देखने के बाद में आपको फीस स्ट्रक्चर भी देखना है, जहां पर फीस स्ट्रक्चर ठीक ठीक है, सुटेबिलिटी है आपकी, या आप यहाँ पर फी भी आराम से पे कर सकते हैं और यहाँ के प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज की टीम,
सारी चीजें आपको देखिए, जब आप वेबसाइट पर जाएंगे ना कॉलेज की पर्टिकुलर, तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी जो कॉलेज आपको सही तरीके से पूरे आंकड़े दिखा रहा है, वही कॉलेज ये मान के चलिए कि लेने योग्य है, या उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जहां पर एक अंदाजा दे दिया गया कि इतने पास रिक्रूटर्स हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा विजिबिलिटी की, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कुछ ये कुछ कॉलेज की लिस्ट है, ये मैंने ले रखी है, ठीक है। अब सपोज दैट कि ये हमारा कौन सा कॉलेज है, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो नोएडा गाजियाबाद के कॉलेजेस हैं लगभग लगभग ठीक होंगे, लखनऊ में जो कॉलेज होंगे वो भी लगभग ठीक होंगे, जैसे कि MIT की बात कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर कंपनीज हैं, मान के चलिए अगर ऑन कैंपस नहीं हो पाता है तो ऑफ कैंपस भी आप ट्राई कर सकें, मेरठ है, तो कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर प्लेसमेंट्स हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर प्लेसमेंट्स है ही नहीं, उन्होंने सिर्फ ये डाल रखे। सपोज दैट मैंने ये कॉलेज लिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि इसमें प्लेसमेंट्स कैसे हैं, पर मैंने एक अंदाजे के तौर पर लिया कि इन्होंने लिखा है अवर रिक्रूटमेंट। ये देखिए बहुत सारे रिक्रूटमेंट, मतलब बहुत सारी कंपनीज उन्होंने शो कर रखी है, हो सकता है इनमें से कुछ कंपनीज पिछले साल आई हो, कुछ उसके पहले आई हो, तो जब से अब से लेकर जब तक उनके पास कंपनी आई है वो सारी कंपनी उन्होंने शो कर रखी है। अगर मैं बात करूं इनके और प्लेसमेंट्स को देकर के, अगर प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड को देखें तो आप यहाँ पर प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड को देखिए, इन्होंने ईयर वाइज ब्रांच वाइज दे रखे हैं या नहीं दे रखे, तो कुछ कॉलेज आपको यहाँ से देखने से ही पता लग जाएगा। जो हमको रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं एक्यूरेटली, हमें या स्टूडेंट्स की लिस्ट भी शो कर रहे हैं, वो कॉलेज में प्लेसमेंट्स होंगे, ठीक ठाक होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। जैसे कि 1924 यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, तो क्योंकि ये सभी के दिखा रहे हैं, बीटेक या जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के दिखा रहे हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पर एक ITS एजुकेशन है, और ITS एजुकेशन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ITS एजुकेशन है, ठीक है। अब इसमें इसमें भी देखिए प्लेसमेंट्स हमें, हमने अगर देखें तो ये प्लेसमेंट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहाँ से देखना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ओके, देखिए यहाँ पर हमने ये प्लेसमेंट ब्रोशर ही ले रखा है, 2019 का उन्होंने प्लेसमेंट का ब्रोशर दिया था, ठीक है। ये प्लेसमेंट ब्रोशर है, अगर आप देख पाए तो इन्होंने सारी अपडेट दे रखी है स्टूडेंट्स की। तो मेरे हिसाब से ये कॉलेज जो प्लेसमेंट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं ठीक है, ठीक है। अब लेकिन आपको चूज कैसे करना है, तो एक तो फीस भी आपको देखनी पड़ेगी, जगह भी आपको देखनी पड़ेगी, क्या वो हमको सुटेबिलिटी के हिसाब से सही है कि नहीं है। अब देखिए एक KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो इसी लिस्ट में था, मैंने उसमें प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड देखे, तो देखिए यहाँ पर ये प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, हर ईयर में उन्होंने दे रखे हैं, प्लेसमेंट लिस्ट भी यहाँ पर उन्होंने दे रखी है, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए ये उन्होंने लिस्ट दे रखी है, अब आप देखिएगा कि किस किस ब्रांच के यहाँ पर प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। देखिए CSE के हैं, इसके बाद में EC के हैं, ठीक है, EEE के हैं, IIT के हैं, और ये देखिए MCA के भी प्लेसमेंट्स। तो ये कॉलेज मुझे ठीक लगा सबसे पहले तो KIET जहाँ पर प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, नॉट कंफर्म कह रहा हूँ कि आपको नहीं इसी में जाना ही चाहिए। देखिए मैं जो सबसे बेस्ट और टॉप कॉलेज मानता हूँ वो है NITs, या हम JNU, BHU, TU, ऐसे कॉलेज को हम श्योरली बोल सकते हैं कि आप आंख बंद करके ले लें अगर आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या स्टेट्स के कॉलेज होते हैं उनमें थोड़ा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज ठीक है और कौन सा कॉलेज हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि फीस भी बहुत मायने रखती है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है, कॉलेज की जो प्लेसमेंट की टीम है या फैकल्टी टीम है वो सारी चीजें मायने रखती है, ठीक है। एक ABES कॉलेज है, इसमें भी मैंने कुछ प्लेसमेंट्स देखे थे, तो देखिए यहाँ पर ये प्लेसमेंट्स के इन्होंने रिकॉर्ड भी दे रखे हैं, अगर हम देखें MCA प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने दे रखा है MCA के प्लेसमेंट्स, ठीक है। कितने हैं लास्ट 5 ईयर्स में, 122 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, ये यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड देगा, नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स, नंबर ऑफ ऑफर्स, नंबर ऑफ प्लेसमेंट और नंबर ऑफ कंपनीज कितनी विजिट की है 2021-22 में, तो 209 ऑफर्स थे टोटल, 122 लोगों को मिले हैं और 130 कंपनीज यहाँ पर विजिट की, तो ABES कॉलेज भी मुझे ठीक लगा, आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद FIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर भी इन्होंने प्लेसमेंट्स हैं लेकिन यहाँ के प्लेसमेंट कम है, हम अगर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो MCA के कम, MBA के ज्यादा है। देखिए यहाँ पर MCA, BCA, इसके बाद MBA, MBA आपको देखेगा, फिर थोड़े आप देखेंगे तो MCA देखेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर ये चूंकि FIT है, मतलब मैनेजमेंट के लिए ज्यादा अच्छा होगा, तो MBA वाले लोग इसको चूज कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, मतलब MCA वालों के लिए बेस्ट है, और कौन सा कॉलेज MBA वालों के लिए बेस्ट है, कौन सा BTech के लिए बेस्ट है। तो ये आप जब पिछले साल के प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे एक IMS कॉलेज है, अगर हम इसके प्लेसमेंट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ MCA हमने ये देखा हुआ था, है ना। इसके बाद में KIT एक और है, तो ये उन्हीं के ब्रोशर्स में भी है। इसके बाद में है ना फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना। तो यहाँ पर भी हमने प्लेसमेंट देखे, तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ऐसे ही इन्होंने दिखा दिया, मतलब यहाँ पर उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं होंगे। मैंने आपको वो भी कॉलेज लेके बताया जिसमें पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, और वो भी कॉलेज दिखा रहा हूँ जिसमें पूरा रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है, कॉलेज की वेबसाइट सभी ने बना रखी है, लेकिन प्लेसमेंट्स के बारे में इतनी जानकारी कोई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये दे रखा है, इतने रिक्रूटर्स इनके पास में है, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आंकड़े जो लोग नहीं दिखा रहे हैं, मतलब वहां पर प्लेसमेंट्स कम है, और आंकड़े जो लोग दिखा रहे हैं उनकी प्लेसमेंट्स ठीक है। ठीक है, क्योंकि आंकड़े दिखाना इतना आसान नहीं है। आप अगर स्टेटिस्टिक्स दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके यहाँ प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स का नाम, उनका रोल नंबर, स्कॉलर नंबर, यदि आप ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके यहाँ प्लेसमेंट्स हुए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही दिखा रहे हैं कि पास रिक्रूटर्स कितने हैं, अबार रिक्रूटर्स कितने हैं, या आपने एक नंबर एक स्टूडेंट्स का आंकड़ा दे दिया, मान के चलो 50 स्टूडेंट्स ही हमारे यहाँ प्लेस हुए हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं 120 हुए हैं, तो ये भी हो सकता है। इसलिए आप पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, बल्कि मैं कहूंगा कि आप कुछ इंस्टीट्यूट अगर विजिट कर सकते हो, इंस्टीट्यूट भी विजिट करें, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे लॉयड इंस्टीट्यूशन है, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें प्लेसमेंट्स के बारे में सिर्फ अबाउट CRC और अबाउट अवर रिक्रूटर्स, मतलब यहाँ पर उतने प्लेसमेंट्स नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने एक जनरली एक आइडिया दे दिया कि हमारे इतने भी इतने कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट आती है, हर कॉलेज में ये लिखा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट आती है, हर कॉलेज में लिखा जा रहा है गूगल आती है, फेसबुक आती है, लेकिन कितने लोगों को सिलेक्ट किया है, किस कंपनी ने, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब वो अपने आंकड़े दिखाएंगे, स्टूडेंट के नाम के साथ में, उनके CTC के साथ में, उनके पैकेज के साथ में, उनकी पोस्ट के साथ में, तभी पता लगेगा। नहीं तो ऐसे तो कोई भी डाल देता है कि हमारी कंपनी इतनी सारी आती है। तो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ इन बात का ध्यान रखें कि जो ये कॉलेज की लिस्ट दी जा रही है, इसमें इतने कॉलेजेस हैं, उनमें से आप कुछ कॉलेज जो मैंने आपसे कहा है, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, इनके पिक करें और इनमें प्लेसमेंट्स के देखें, उसके बाद फीचर देखें, फिर आप अपने हिसाब से चॉइस 1, 2, 3, 4, 5 और 10, 12, 15 जितने भी आप डालना चाहते हो। नॉट मैंडेटरी कि आप 88 कॉलेज की लिस्ट डालेंगे, 88 कॉलेज में थोड़ी ना आपको जाना है, और ना ही आप इतने इतने कॉलेज की लिस्ट सर्च कर पाएंगे। आपको पिक करना है, यहाँ पे 88 कॉलेज हैं, आप एक बार सारे देख लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे का आप अगर समय देंगे, 2, 2.5 घंटे, 3 घंटे का, तो ये सारे कॉलेज की आप वेबसाइट भी देख लोगे। आपको वेबसाइट देखने से ही पता लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज ठीक है और कौन सा नहीं है ठीक। मेरे हिसाब से अब आपको ये चॉइस प्रेफरेंसेस से लेकर जो भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे, क्योंकि मैं इतना तो अब नहीं बता सकता आपको पूरे, क्योंकि जितने भी कॉलेज हैं, सारे कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर बताऊं मैं, सारे के प्लेसमेंट्स आपको दिखाऊं, या मैं सारे में सारी चीजें बताऊं, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं हर कॉलेज तो विजिट नहीं किया हूँ ऑब्वियसली, है ना। लेकिन मैंने कुछ आंकड़ों से ये अंदाजा लगाया है कि ये कॉलेज ठीक है या ये कॉलेज नहीं है ठीक। आपको भी इसमें देखना पड़ेगा और देख समझ के ही आपको जाना होगा। ठीक है, आई होप को मेरी आपकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा, और चूंकि अलॉटमेंट आने के बाद आपको लगता है कि ये कॉलेज मेरे लिए ठीक है, तो आप उसमें जाना चाहिए, अदरवाइज आप लोट ऑप्शन करें। नहीं तो अगर कोई स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं लेना चाह रहे हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए, NIMCET के लिए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे JNU, BHU के लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज में अन्यथा लाखों रुपए फीस दें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि प्लेसमेंट्स बहुत मैटर करता है, फीस बहुत मैटर करती है, जो आपको उचित लगे वही करें। आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ हम ले लेते हैं एडमिशन और पढ़ लेंगे और फिर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, अगर आपके पास में कोई ड्रॉप नहीं है, आप एक ड्रॉप ले सकते हैं, एक ड्रॉप हो चुका है तो आप चांस ले सकते हैं दूसरे ड्रॉप के लिए, क्योंकि अभी भी अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो कर सकते हैं, लाइक NIMCET, JNU, BHU, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहें कर सकते हैं, और आप इजिली इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ठीक है।